everybody, I am Simon Says and I am the most underrated, underappreciated, undervalued, uncircumcised. Now I know what you are thinking. इतने जल्दी और एक वीडियो कैसे आ गया? Well, what can I say? I was missing you guys. That is the only reason मैं इतने जल्दी और एक वीडियो डाल रहा हूँ. मुझे स्पॉन्सर की डेडलाइन मीट करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे इतने साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस और नरूटो ने एक लाइफ का ट्रूथ सिखाया है कि क्वांटिटी इज बेटर देन क्वालिटी. आज मुझे हाई एफर्ट वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए आज का वीडियो लो एफर्ट रिएक्शन वीडियो है. मेरा तो इंटरेस्ट खत्म हो गया वीडियो बनाने का. मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को जितना फेमस होना था हो गया. मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा. फॉलो करना है करो, नहीं करना भाड़ की भट्टी में जाओ जाके. दिस इज रिएक्शन वीडियो ऑन सबरेडिट मीम्स. देखना है तो देखो वरना वीडियो ऑन करके फोन बाजू में रख दो, मेरे को वॉच टाइम चाहिए. मी व्हेन आई मैरिड टू समवन टू हूम आई सेड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. I lied. There is no behind. Take off your clothes. ध्रुव राठी एक सच्चा देशभक्त है, उसने प्लेज को एकदम सीरियसली फॉलो किया. Female fan comes Bombay to meet Divine's ma. Divine? I lied. There is no ma. Take off your clothes. Top 10 funniest roasters in India. Let's see. I lied. There are no funny YouTubers in India. Take off your clothes. NFSW meme. Let's see. I lied. There is no NSFW meme. Take off your clothes. There is no high effort video today. Take off your clothes. Oh, okay. Swedish YouTuber ने मुझ पर वापस react किया. Europeans still hate Jarrah soda. Yeah, I remember that. It was awful. I think Simon said that it was like an acquired taste or something. Acquired taste. Yeah, there you go. It's good for your health. Spice is good for your health. यार उस कोलैब को 2 साल हो गए, ये कब तक मेरे नाम पे क्लाउड लेते रहेगा यार. इट सीम्स कि प्यूडीपाई और केएसआई दोनों को जीरा सोडा पसंद नहीं आया. नॉर्मली आई वुड डिफेंड जीरा सोडा, बट आई डोंट गिव अ शिट एनीमोर. उषा कपिला को स्पॉन्सर करेंगे लेकिन मुझे नहीं करेंगे. डिवाइन को स्पॉन्सर कर दो, वो तो अपने माँ के लिए जी रहा हूँ. 6 years old मी टॉक्स टू अ गर्ल द रेस्ट ऑफ द क्लास. ये मैनली नहीं है यार. 16 years old मी डज नॉट टॉक टू अ गर्ल द रेस्ट ऑफ द क्लास. ये मैनली नहीं है यार. ऑल्सो 25 year old मी टॉक्स टू अ 5 year old गर्ल. एवरीबडी सेज ये मैनली नहीं है यार. बच्ची से जबरदस्ती. पप्पी मिल सकती है आपसे मुझे. बच्ची से छेड़खानी. ओके. बच्ची से किस. नाबालिग बच्ची के साथ जो अश्लील हरकत की, क्या वो माफी के लायक है? ये मैनली नहीं है यार. ये मैनली नहीं है, वो मैनली नहीं. अरे मैनली है क्या? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना मैनली है. ये मैनली है यार. और मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ईटी मनी ऐप यूज करता हूँ. म्यूचुअल फंड्स के मामले में हम लोग हमेशा फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस या फिर पास्ट ईयर के रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते कि ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है या नहीं. ईटी मनी ऐप पर आपको किसी भी फंड की जानकारी मिल सकती है. बस उस फंड का नाम सर्च करो और आपको उस फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी. सही डिसीजन लेने के लिए सिर्फ रिटर्न्स देखना काफी नहीं होता, इसलिए ईटी मनी ऐप आपको एक फंड का रिपोर्ट कार्ड बना के देता है. ये रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है कि जब मार्केट गिरता है तब इस फंड ने बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बचाया और लॉस मिनिमाइज किया, ये बताता है. आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं उस फंड ने कितना कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है. मेरी तरह कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना. बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में इस फंड ने आपको कैसे रिटर्न्स दिए आप ये भी देख सकते हैं. और अगर आप फिर भी श्योर नहीं है तो आप उस फंड का ईटी मनी रैंकिंग देख लो. ईटी मनी रैंकिंग देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस फंड की अपनी कैटेगरी में क्या रैंकिंग है. डाउनलोड ईटी मनी ऐप राइट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नॉट राइट नाउ, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे को वॉच टाइम दो. प्रेग्नेंट वाइफ, व्हाई आर यू टेकिंग मी टू एन अबॉर्शन क्लिनिक. हस्बैंड, ये मैन नहीं है यार. ये लड़की लोग पैदा ही क्यों होते मेरे को समझ में नहीं आता. स्टूडेंट, कैन आई गो टू टॉयलेट. टीचर, ये मैं होता है यार. एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू टॉयलेट. ओके, एलविश यादव ने रोस्ट वीडियोस डालना वापस शुरू कर दिया. हैंक द कैंसर इज बैक. यूट्यूब का कचरा इंस्टाग्राम के कचरे को साफ करेगा. नाइस. भाई वीडियो में आपको एक गाली नहीं होगी. सो सॉरी, जो गाली मतलब तुम लोग सोचते हो कि अलीश भाई गाली देंगे, अरे यार मैं गाली नहीं दूंगा, वैसे भी नहीं दूंगा और वैसे भी नहीं दूंगा, तो ये चीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करना. क्या मार्च हो रहा है सच्ची में? प्रॉब्लम गालियां कभी थी नहीं, प्रॉब्लम ये था कि गालियां ही तुम्हारी पंचलाइन थी. किसी को चूतिया बुलाना तुम्हारा जोक और क्रिटिसिज्म दोनों था. मुझे भी ऐसा गणपति बप्पा मोरिया का एलईडी बोर्ड पीछे लगाना चाहिए. नहीं, कार्टून में तो हम लोग रिलीजन घुसाते ही थे लेकिन अभी रोस्टिंग में भी घुसा रहे. ये सब छोड़ो यार, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना. हम लोग मिलेंगे तभी बात करेंगे, ठीक है?
भाई सब सब के रिप्लाई करते बोलेंगे क्या हम रोज की 10 वीडियो बनती है उसको बोलो कि भाई उसके वीडियो नीचे कमेंट कर दो कि भाई मिल के ही बात करते हैं हम सीधा ऐसे नहीं Simon in his 20s met PewDiePie was featured in Yalgar, had a greatest show of all time, had bestest subreddit of India. Me in my 20s? How Simon has changed over time, played it with safe jokes and now does not give a fuck anymore. Thoda aur chato, maja aa raha hai. Me who used code Simon100 for 100% discount. Haan, mujhe internet par memes padhne ke paise milte, is there a problem? Honey, tell me what's wrong. If Simon crosses 1 million subscribers, then we won't be able to call him underrated anymore. Oh, fuck. Well, that is the plan. मुझे underrated नहीं रहना, मुझे overrated बनना है. At least overrated लोग पैसा कमाते हैं. Making a normie meme on r/Simon says. Why did you have to mention normie meme? Because this is a meme. Okay, ठीक है. Pixart download किया, alright. Pixart खोला. You need to have images of Simon says, obviously. Simon when? Carrie Minati, all right. Fair enough. 1K upvotes already ho gaye yahan pe. Simon, when? Not Carrie Minati, all right. Okay. Ho gaya. 2K upvotes ho gaya, bhai, bas ho gaya. Very good. Okay. Oh, okay, okay. Watermark. Watermark is very important. एक वाटरमार्क ऑलरेडी वीडियो पर था लेकिन उसने ट्यूटोरियल में और एक वाटरमार्क डाला सुमिस बेटा कीप इट अप बहुत आगे जाओगे रीजंस टू लिव मैम विल टीच रिप्रोडक्टिव सिस्टम That is the last time I felt happiness in my life. उसके बाद तो मैंने बस बोनस ही समझा जो भी मिला मुझे वो Me after playing BGMI for first time, तू बहुत चेंज हो गई है रे पोचिंग की क्या रिलेटेबल होने के लिए हंसना पड़ेगा क्या इस पे Key difference between nitrous oxide and slay point is that nitrous oxide could make us laugh. Okay, repeat after me. Don't repeat, write it down, write it down. Just because a YouTuber, just because a YouTuber is mainstream does not mean they are bad. I'll repeat for you one more time. Just because a YouTuber is mainstream does not mean they are bad. लेकिन इस पोस्ट के टाइटल को मानना पड़ेगा आई वुड इजीली गेट मोर वोट्स इफ आई पुट ट्रिगर्ड इंसान बट फक सोसाइटी आई विल मेक व्हाट आई थिंक इज राइट यस स्लिप पॉइंट इज डिग्रेडिंग शिनिगामी 42069 व्हाट अ हिलेरियस यूजर नेम 42069 फनी नंबर ऑलरेडी बेटर देन स्लिप पॉइंट्स होल करियर राइट बस हो गया इतना अटेंशन क्यों और दू एवरेज पॉर्नहब फैन वर्सेस एवरेज बायोलॉजी टेक्स्ट बुक एंजॉयर सबरेडिट किसके नाम पे है r/Simon Says मेरे नाम पे है राइट इस मीम का साइमन सेज वर्जन भी अवेलेबल है अगर आपको नहीं पता ना तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो ठीक है अगर किसी मीम का साइमन सेज वर्जन अवेलेबल है मार्केट में और तुम किसी और वर्जन को यूज करते हो देन यू विल गेट बैंड आई होप दैट वॉज क्लियर Next meme. Petition to not make any cringe song after you hit 1 million subscribers. Too late. 1 million तक क्यों रुकना मैं अभी गाना बजाता था outro में. That's it for this video. Like, share, comment, subscribe. Bye. Bhindi. ब्लॉग्स था बनाता तब मैं था बड़ा शरीफ न किसी ने नवाजा रीच हुई नहीं रिसीव ग्रोथ थी स्लो मन लगने लगा था हटने पर हीट 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 मेरा कंटेंट था हीट जेवियर के ब्लॉग से फिर आगे बढ़ा साई कभी दिखाता टॉयलेट कभी दिखाता नाई कस्टम MVs पे पहाड़ों पे ली थी हवाएं लेकिन बेटर था उससे ये साइविचाय ए फिर मुझे
तुझा एक आइडिया, 1000 सब्सक्राइबर्स पे दी थी मैंने पार्टियां, टीसीज वर्सेस प्यूडीपाई चल रहा था 18 में, उसके ऊपर वीडियोस बनाकर मैंने डाल दिया, कुछ हुए खुश कुछ के मन गए फूट, देख के मेरी वीडियोस फट रहा था ट्यूब, फिर बड़ी मेरी रीच, आई रीच ब्राइटन बीच, खींच फ्लाइट टू मेक अ वीडियो विद प्यूडीपाई। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले तालियां, आज वो है नफरतें, आज वही गालियां, मैंने किया मेहनत, भिंडी देखा मैंने खा लिया, YouTube के थ्रू नया